अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। तो आज जो है अल्फा, बीटा और गामा से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। दो प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में डिस्कस की गई हैं, वो हैं उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी और दूसरा उसकी आयनाइजिंग एबिलिटी या फिर आयनाइजेशन पावर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई हैं, जबकि बीटा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन हैं और गामा रेडिएशन जो है वो ओनली रेडिएशन है या फिर रेज। सो एज द अल्फा पार्टिकल्स इज अ हीलियम न्यूक्लियस कंप्राइजिंग ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स विद अ चार्ज ऑफ 2e, यानी कि दो प्रोटॉन हैं, दो न्यूट्रॉन हैं और दो ही इसमें इलेक्ट्रॉन हैं। एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल मीन जो कि रेडिएशन इमिट करेगा। एन अनस्टेबल न्यूक्लियस विद लार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मे डिके बाय इमिटिंग अल्फा रेडिएशंस। बीटा रेडिएशन इज अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई विद एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स मे इजेक्ट बीटा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस आर फास्ट मूविंग लाइट फोटॉन्स। बेसिकली गामा रेडिएशन जो है दीज आर दी लाइट पार्टिकल्स मीन्स फोटॉन्स and very high energetic. They are electromagnetic radiations of very high frequency emitted by the unstable excited nuclei. So the first property is ionizing effect. Ionizing effect means कि तीनों में से किसकी सबसे ionization power जो है वो ज़्यादा है, कौन कितना किसी भी गैस को जो है ionize कर सकता है। So the ionizing effect means the phenomena by which radiation split matter into positive and negative ions is called ionization. Means के वो phenomena, वो method, जिस method के जरिए radiation जो है उस material को या उस matter को उसके positive और negative ions में जो है वो separate कर देगी, उस phenomena को कहा जाता है ionization. All three kinds of radiations, that is alpha, beta and gamma, can ionize the matter. But alpha particles, students, have the greatest power of ionization as compared to beta particles and gamma rays. It is due to large positive charge and large mass of alpha particles. Beta particles ionize a gas much less than alpha particles. So the ionization power of gamma rays is even less than that of beta particles. Mean alpha particles ki ionizing ability jo hai wo sabse zyada hai, beta particles ki ionization power usse kam, alpha se kam, aur gamma rays ya jo gamma particles hain inki jo ionizing ability hai wo un dono ke nisbat intihai kam hai. Ab agar hum iski dusri property ki baat kare, that is the penetrating ability. So penetrating ability mein ye keh le ke ulta kam hai, isme alpha particles jo hain inki penetrating ability sabse kam hai, बीटा पार्टिकल्स की अल्फा की निस्बत ज़्यादा है, जबकि जो गैमा रेज हैं, गैमा रेज की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर या फिर पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है. उसकी रीज़न क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये हैवी होते हैं, और जब ये किसी भी बॉडी में, किसी भी मैटर में या गैस में एंटर होंगे तो ये अपनी सारी एनर्जी आयनाइजेशन में लूज कर देंगे, आयनाइजेशन में यूज़ कर देंगे, जिसकी वजह से ये बहुत शॉर्ट रेंज तक जो है वो पेनिट्रेट हो सकेंगे. पेनिट्रेशन मीन्स किसी चीज में एंटर होना, धंस जाना. सो द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट अ सर्टेन मटीरियल इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर. द अल्फा पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट रेंज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिंग और आयनाइजिंग पावर. द गामा रेज कैन पेनिट्रेट अ कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट. जबकि गामा रेज को अगर आपने अब्सॉर्ब करवाना है तो उसके लिए आपके पास एक कंक्रीट की मोटी तय होनी चाहिए उसको अब्सॉर्ब करवाने के लिए. व्हाइल द बीटा रेडिएशन स्ट्रॉन्गली इंटरैक्ट्स विद मैटर ड्यू टू इट्स चार्ज एंड हैज अ शॉर्ट रेंज. क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर चार्ज होने की वजह से इसकी जो रेंज है अल्फा के मुकाबले में ज़्यादा होगी, जबकि गामा के मुकाबले में कम होगी. एज एंड हैज अ शॉर्ट रेंज एज कम्पेयर टू गामा रेडिएशन एज शोन इन द फिगर बिलो. तो ये रेडियोएक्टिव सोर्स है, रेडियोएक्टिव सोर्स से तीनों टाइप के रेडिएशन यहाँ पर इमिट होती हुई शो करवाई गई हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज. तो सबसे पहले पेपर है, तो
अल्फा पार्टिकल्स की रेंज इतनी शॉर्ट है, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी इतनी कम है कि पेपर उनको इजिली अब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि बीटा पार्टिकल की रेंज ज़्यादा है और उसको अब्जॉर्ब करवाने के लिए एलुमिनियम की आपको एक लेयर चाहिए होगी, जबकि गामा रेज है इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है और इसको अब्जॉर्ब करवाने के लिए आपको कंक्रीट या फिर लेड की कोई एक प्लेट चाहिए होगी। सो ये दो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों रेडिएशन की, एक है पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जबकि दूसरी थी आयनाइजिंग पावर या आयनाइजिंग इफेक्ट। आयनाइजिंग इफेक्ट में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एबिलिटी जो है वो अल्फा रेज की है और गामा रेज की सबसे कम है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी में उल्टा काम है, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी में सबसे कम एबिलिटी जो है वो अल्फा पार्टिकल्स की है, जबकि सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है वो गामा रेज की है, जबकि बीटा जो है दो हैज द मीडियोकर वैल्यूज। सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ दीज अल्फा बीटा एंड गामा रेज। सो होप कि आपको जो है समझ आया होगा।